बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ICS पार्ट वन में चैप्टर थ्री को आज डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर थ्री है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में आज हमें ये डिस्कस करना है कि हमारा डाटा किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसके मेजर कंपोनेंट्स को। डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। इसमें हम अपने डाटा को या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को डाटा कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हम अपने डाटा को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट केबल्स के थ्रू, डिफरेंट फिजिकल केबल्स या डिफरेंट वायरलेस कनेक्शन के थ्रू। यहाँ पे आपको एक इमेज नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास एक सेंडिंग डिवाइस है, यहाँ हमारे पास एक रिसीविंग डिवाइस है। सेंडिंग डिवाइस किसी भी किस्म के डाटा को, इंफॉर्मेशन को या मैसेज को सेंड करती है और वो मैसेज रिसीवर साइड पे जो जाता है वो किसी भी किस्म के ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जाता है। मीन्स सेंडिंग डिवाइस ने मैसेज सेंड किया, ट्रांसमिशन मीडियम क्या करता है, उस मैसेज को कैरी करता है और उस मैसेज को डिलीवर करता है रिसीविंग साइड पे। मीन्स के आपकी जो सेंडिंग डिवाइस होती है वो मैसेज सेंड करती है और मैसेज जो है वो कैरी करता है ट्रांसमिशन मीडियम। मैसेज ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है रिसीविंग डिवाइस में या रिसीविंग साइड पे। आज हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह सेंडिंग डिवाइस मैसेज को सेंड करती है और कौन कौन से ऐसे ट्रांसमिशन मीडियम हैं जिसके थ्रू हमारा डाटा या हमारा मैसेज सेंड होता है, और रिसीविंग डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं जो इस काबिल होती हैं कि वो आपके मैसेज को जो है वो रिसीव करें। पहला चीज़ जो हमारे पास आती है वो है मैसेज, कि मैसेज है क्या। द मैसेज इज़ द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज सबसे पहला कंपोनेंट है डाटा कम्युनिकेशन में, और मैसेज जो है वो कोई भी डाटा हो सकती है, कोई डाटा हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी भी किस्म का डाटा या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे हम कन्वे करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, उसे हम मैसेज का नाम देते हैं। और मैसेज जो है वो हमारा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, मैसेज टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है और साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है। देन आता है सेंडर। सेंडर इज अ डिवाइस, सेंडर वो डिवाइस है दैट सेंड द मैसेज, जो आपके मैसेज को सेंड करती है। इट इज आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। हम सेंडर डिवाइस को या सेंडिंग डिवाइस को सोर्स का नाम भी देते हैं और ट्रांसमीटर का नाम भी दे सकते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी मैसेज को या आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, सेंड करती है। देन हमारे पास सेंडर में कौन कौन सी डिवाइस हो सकती हैं। आपके सेंडिंग डिवाइस में कंप्यूटर भी यूज़ हो सकता है, टेक्स्ट मशीन भी यूज़ हो सकती है, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स भी यूज़ हो सकते हैं। कि सेंडिंग डिवाइस में डिफरेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके थ्रू हम अपना डाटा सेंड करते हैं। अब मोस्टली जो यूज़ हो रही होती है सेंडिंग डिवाइस वो हमारे पास कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू हम अपना मैसेज डिलीवर करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। देन हमारे पास आता है रिसीवर। सेंडिंग डिवाइस ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर साइड पर रिसीवर डिवाइस क्या होती है। रिसीवर इज़ अ डिवाइस, रिसीवर एक ऐसी डिवाइस है दैट रिसीव मैसेज, जो कि मैसेज को रिसीव करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक, इसका हम दूसरा नाम सिंक भी इसको बोल सकते हैं। मीन्स के रिसीविंग डिवाइस को सिंक बोला जाता है एंड सेंडिंग डिवाइस को सोर्स या फिर ट्रांसमीटर का नाम दिया जाता है। रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेज, और आपकी जो रिसीविंग डिवाइस होती है वो इस काबिल होती है कि वो आपके मैसेज को रिसीव करती है। रिसीविंग डिवाइस में हमारे पास कंप्यूटर भी आ सकता है, फ़ोन्स आ सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, प्रिंटर आ सकता है और फैक्स मशीन भी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ पाथ थ्रू विच द मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड। ये एक ऐसा पाथ होता है जिसके थ्रू हमारा मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। इट इज़ यूज टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
एक ऐसा बात है जो आपके मैसेज को कैरी करता है, मीन्स के सेंडर ने मैसेज सेंड किया और ट्रांसमिशन मीडियम क्या करता है, उस मैसेज को कैरी करता है और सेंडर से उस मैसेज को कैरी करके रिसीवर तक डिलीवर करता है। और डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम्स हमारे यूज़ होते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये हमारे पास एक सेंडिंग डिवाइस है और सेंडिंग डिवाइस मैसेज को ट्रांसफ़र करती है और वो मैसेज जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम कैरी करता है, देन ये मैसेज ट्रांसफ़र होता है रिसीविंग डिवाइस के पास। कम्युनिकेशन चैनल भी हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम को, मीन्स के ट्रांसमिशन मीडियम का एक और नाम है कम्युनिकेशन चैनल। ऐसा चैनल जिसके थ्रू हमारा डाटा जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस। डिफरेंट हमारे पास फिज़िकल केबल्स यूज़ होती हैं ट्रांसमिशन मीडियम में, या फिर वायरलेस केबल यूज़ होती हैं। फिज़िकल केबल में ट्विस्टेड पेयर केबल आ सकती है और फाइबर ऑप्टिक केबल आ सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल आ सकती है। इन तमाम केबल्स को यूज़ किया जाता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। और वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारे पास माइक्रोवेव आ जाएगा, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन आ सकती है और कम्युनिकेशन सेटेलाइट। ये वो तमाम वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल हैं जिनके थ्रू हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज़ इनकोडर एंड डीकोडर। अब इनकोडर क्या है? इनकोडर इज़ अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल, जो डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देती है एक ऐसी फॉर्म में जिसको आगे पास होना होता है किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। इनकोडर का असल में पर्पज़ क्या है? इनकोडर जो है वो आपके डेटा के साइज़ को श्रिंक भी करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल डाटा होता है वो उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसे कोई इजीली एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपका मैसेज जो है वो सेंडिंग साइट से कैरी होता है ट्रांसमिशन मीडियम पर। तो डिफरेंट आगे ऐसे कह सकते हैं हैकर्स हो जाएं, या फिर डिफरेंट ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके मैसेज को एक्सेस करती हैं। तो जब आप अपने मैसेज को इनकोड करते हैं, मीन्स कि मैसेज जब इनकोड हो जाता है ओरिजिनल फॉर्म में से किसी भी डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो वो मैसेज होगा वो आपका इनकोडेड मैसेज होगा जिसे ईजिली जो है वो एक्सेस नहीं किया जा सकता, और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिससे में ईजिली जो है वो आपका ट्रांसमिशन मीडियम जो है उस मैसेज को कैरी कर लेता है। एंड द डीकोडर, डीकोडर इज़ अ डिवाइस, ये ऐसी डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स द इनकोडेड सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म, कि दोबारा से ये जो आपका डिजिटल फॉर्म में जो डाटा था उसको कन्वर्ट किया था इनकोडर ने, ये अगेन उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मीन्स के ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है आपके इनकोडेड सिग्नल को डिजिटल में। आपका जो ओरिजिनल डाटा था उसको कन्वर्ट किया जाता है इनकोडेड फॉर्म में, और डीकोडर क्या करता है, इस इनकोडेड फॉर्म को अगेन डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज, क्योंकि जो रिसीविंग साइड होती है, जो रिसीवर होता है, वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही मैसेज को अंडरस्टैंड करता है, मीन्स के जीरो और वन की फॉर्म में। सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट एनकोडर एंड डीकोडर। सेंडर और रिसीवर जो है बगैर इनकोडर और डीकोडर के सक्सेसफुली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।